हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी। आज हम लोग पनीर ब्रेड रोल बनाने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। हम इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, इवनिंग में, टी टाइम पे। आइए देखते हैं इसके लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आपको जितने रोल बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए। ग्रेटेड पनीर, यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, इनको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा मैश कर लिया है। चॉप्ड अनियन, मैंने अनियन कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। चॉप्ड ग्रीन चिली, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा लेमन जूस हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला यूज़ करेंगे हम। आधा छोटा चम्मच हम रेड चिली पाउडर का यूज़ करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर यूज़ करेंगे और 1 चम्मच नमक का यूज़ करेंगे। और इसको सेकने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हमको बनाना है। आइए पहले फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए जो बॉइल्ड मटर है इसको बोल में डालेंगे और पनीर को, सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिलीज को और चॉप्ड अनियंस को, इनमें सारे स्पाइसेस डालेंगे हम। इसमें डाला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। जब हम चाट मसाले का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमको नमक थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। और धनिया पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग बनकर तैयार है, अब रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड के जो एजेस हैं इनको निकाल देंगे, नाइफ की हेल्प से इनको कट कर देंगे। एंड ऑब्वियसली हम इनको वेस्ट नहीं करेंगे, आप इनको मसाले डाल के फ्राई कर सकते हैं और एक स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं। आइए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने स्लाइस लिया है, इस पे हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसको हम रोल कर लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे हम इसको। ये देखिए इस तरीके से ये पतला हो गया है। अब जो भी हमारी फिलिंग है, फिलिंग रखी है हमने इसके अंदर, और अब इसको हम इस तरीके से रोल कर देंगे। थोड़ा केयरफुली रोल करें ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और इसका ये जो लास्ट वाला एज है इस पे हम पानी लगाएंगे और इस तरीके से इसको इस पे चिपका देंगे। थोड़ा सा प्रेस करें जिससे चिपक जाए। और ये देखिए रोल बनकर तैयार है। आप चाहें तो दोनों साइड से इसका ये इस तरीके से मुंह बंद कर सकते हैं जिससे कि फिलिंग बाहर नहीं आएगी। ये रोल बनकर हमारा तैयार है, इसी तरीके से हम बाकी के रोल बना लेंगे। रोल बनकर तैयार है, अब हम इनको सेक लेते हैं। उसके लिए पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इन रोल्स को इसमें रख देंगे। थोड़ा सा घी हम ऊपर से भी लगा देंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है एक तरफ से, इनको सबको पलट देंगे अब हम।
ये दूसरी साइड से भी सिक चुका है। अभी देखिए ये इसका ये जो साइड वाला एज है ये नहीं सिका है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से खड़ा करके भी सेकेंगे। अब ये सिक चुके हैं, अब हम इनको सर्व करते हैं। पनीर पॉकेट्स बनकर तैयार है, आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इस रेसिपी में मैंने जो फिलिंग दी है वो मटर और पनीर का फिलिंग दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी फिलिंग इसमें दे सकते हैं। लाइक आप इसमें आलू का फिलिंग दे सकते हैं, कोई भी शेजवान फिलिंग इसमें आप दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर लेफ़्ट ओवर राइस आपके घर में है या कोई भी सब्ज़ी आपके घर में बची हुई है तो आप उसका यूज़ इस रोल को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।